हेलो फ्रेंड्स, कुक विद योगिता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साउथ इंडियन रेसिपी मैसूर बोंडा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्द बन जाता है। इसे बनाने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए मैसूर बोंडा बनाना शुरू करते हैं। मैसूर बोंडा बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कप मैदा ली है, वो मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। एक चौथाई कप चावल का आटा। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आप मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं, आधा चम्मच जीरा, एक इंच अदरक का टुकड़ा है, हमने इसको ग्रेट करके लिया है, आप बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने नमक लिया है या फिर स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा हरा धनिया और यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है, वो डाल देंगे। पहले सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। हमें इसका बैटर थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है, इसलिए एक साथ पानी न डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। तो देखिए अभी ये बैटर तैयार है, हमें इसका गाढ़ा बैटर रखना है। तो अभी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए बैटर की रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं है, थोड़ा सा हमें थिक बैटर रखना है। तो देखिए अभी हमने बैटर को अच्छे से फेंट लिया है और बैटर एकदम स्मूथ हो गया है। तो अभी ये हमारा बैटर तैयार है। हमने इस बैटर को बनाने के लिए यहाँ पर 3/4 कप पानी का यूज किया है। तो अभी हम इस बैटर को ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि ये बैटर अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं, अब हम बैटर देख लेंगे। तो देखिए अब बैटर अच्छे से सेट हो गया है, अच्छे से बैटर फूल गया है। तो अभी ये हमारा बैटर तैयार है, अब हम इसके बोंडा फ्राई करेंगे। तो बोंडा फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तो बोंडा फ्राई होने के लिए तेल अच्छे से गरम होना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा हम तेल को चेक कर लेते हैं। देखिए ये फूल कर ऊपर आ गया, इसका मतलब तेल अच्छे से गरम हो गया है। तो अभी हम इसमें से थोड़ा सा बैटर लेकर ऑयल में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से डालते जाएंगे सभी। अभी ये सभी बोंडा ऊपर फूल कर आ गए हैं, तो अभी हम इनको पलट देंगे। ये देखिए, और अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पर सभी साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बीच बीच में पलटते रहेंगे, जिससे ये सभी साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो देखिए अभी ये सभी तरफ से फ्राई हो गए हैं अच्छे से। तो अभी हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए, ये देखिए, इसी तरह हम दूसरे बोंडा फ्राई कर लेंगे। बोंडा आप छोटे बड़े अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं। इनको भी पलट देंगे। तो देखिए बोंडा अभी सभी साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अभी हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे।
निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये बोंडा बनकर तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी बोंडा फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।